प्यारे बच्चों, अब हम हमारी कहानी स्वतंत्रता का दूसरा भाग देखें। धीरे धीरे शाम गहराने लगी थी, गुब्बारों की हवा भी कम होने लगी थी। अंत में ऐसे हुआ कि गुब्बारों की हवा कम होने की वजह से गुब्बारों के साथ ही बूढ़ा तोता आकर घनी बस्ती के बीच में बने हुए एक पीपल वृक्ष पे जा टिका। वो अब असहाय हो चुका था, उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। उसने देखा कि तीसरी मंजिल पर मोंटू नामी एक बच्चा रहता है। मोंटू नामी बच्चे की तोते पर नजर पड़ी। उसने अपने पापा से तोते को बचाने के लिए कहा। पापा ने देखा कि बचाना आसान काम नहीं है, क्योंकि पीपल वृक्ष की टहनी पर आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता है। लेकिन उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने देखा कि जहाँ पे पीपल वृक्ष खड़ा है उसके आजू बाजू चार दीवारी बनी हुई है और वहाँ पे कांच लगे हुए है। उसी के साथ वहाँ पे गंदे पानी का नाला बह रहा है और बाजू में एक कूड़ेदान है। उन्होंने एक लंबी रस्सी उस टहनी पर फेंकी, उस डाल पे फेंकी और उन्होंने तोते से कहा कि अब हम तुम्हें बचा ही लेंगे। इसी के साथ उन्होंने वो लंबी रस्सी फेंक कर वहां से खींची। तोता कूड़ेदान में आ गिरा और उसकी जान बच गई। मोंटू के पापा उसे अपने साथ घर ले आए, मरहम पट्टी की और उसे पिंजरे में रख दिया।